झरिया बलियापुर मुख्य सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कार्य में बरती जा रही अनियमितता, संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने किया विरोध। झारखंड और पश्चिमी बंगाल को जोड़ने वाले झरिया बलियापुर मुख्य सड़क का निर्माण और चौड़ीकरण कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायत ग्रामीणों ने संयुक्त मोर्चा के नेताओं से की। ग्रामीणों की शिकायत के आलोक में मंगलवार को संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने 44 करोड़ की लागत से बनने वाली नव निर्माण सड़क का जांच करने पहुंची। जांच के दौरान निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा भारी अनियमितता बरती जा रही थी, जिसे देखते हुए संयुक्त मोर्चा के नेता युधेश्वर सिंह ने कहा कि लगभग 2 दशक से बलियापुर झरिया मुख्य मार्ग की जर्जर स्थिति के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे थे। कई लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया था। जिसे देखते हुए झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाने का काम किए, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा झरिया बलियापुर सड़क निर्माण कार्य को लेकर 44 करोड़ की बजट पास किया गया, जिसका विधिवत झरिया विधायक ने पूजा कर शिलान्यास किया। तत्पश्चात संवेदक द्वारा कार्य को चालू किया गया। लेकिन निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। अगर समय रहते संवेदक अपने कार्य में सुधार नहीं किए तो इसकी शिकायत धनबाद उपायुक्त से की जाएगी। वहीं मासस नेता विंदा पासवान ने बताया कि कई वर्षों की लड़ाई के बाद मुख्य मार्ग की मरम्मती कार्य शुरू हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिससे सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है वह 5 साल भी चलना मुश्किल है। वहीं संवेदक के इंजीनियर बाबू चक्रवर्ती ने बताया कि सड़क में जिस जगह पीसीसी निर्माण किया जा रहा है, अगर कहीं सड़क में थोड़ी बहुत दरारें पड़ जा रही हैं तो उसे पुनः खरोच कर फिर से युक्त स्थल पर मरम्मती कार्य को पूरा किया गया। सड़क मरम्मती के बाद भी 5 साल तक सड़क की देखरेख की जवाबदेही संवेदक ही होगी। इसके लिए सरकार बजट का 10% फंड अपने पास जमा रखती है, तो ऐसे में सड़क में अनियमितता बरतने की तो कोई सवाल नहीं होता। जो मार्ग में रोड बन रही है आरसीसी का, ये हम लोग को पता चला है कि 44 करोड़ का ये जो है लागत राशि से बनने जा रहा है। लेकिन कई दिनों से मैं पब्लिक का बात सुन रहा था और संयुक्त मोर्चा से लोगों पब्लिक लोग बोल रहे थे कि रोड बढ़िया नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। तो आज हम लोग संयुक्त मोर्चा बनाकर हम लोग इस रोड का विजिट करने आए हैं और इस विजिट करने के दरमियान हम लोग पाए हैं कि गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसका मटेरियल सही ढंग से दिया नहीं जा रहा है, जो रड का जाली जो लगाया जाता है वो नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जो है हम ये मांग करते हैं कि अभिलंब इस काम को रोककर इसमें जो इस्टीमेट की जो मैंने इस्टीमेट जो बनाया गया उस आधार पर इसका काम हो, या अन्यथा ये काम को बंद करे, नहीं तो आम जनता इसका विरोध करेगा। एक तरफ अग्नि प्रभावित घोषित करता, दूसरी तरफ इतने करोड़ों के फंड से ये सड़क बनाया जा रहा है। नहीं ठीक है, तो PWD का रोड का मैंने थी जब सेंक्शन हो चुका है पब्लिक के लिए, तो ये तो मैंने बनना ही चाहिए। आग कोई फैक्टर नहीं है, आग कोई फैक्टर नहीं है, जिस अति पर लग रहा है PWD का रोड है ये। आग के आधार पर ये सही इसमें बना है। समय था इसके बनाने का, 2 साल का, अभी 2 साल का समय, 2 वर्ष, हाँ 2 वर्ष का बन नहीं। अब निरीक्षण के निरीक्षण के क्या क्या खामियां पाए हैं? बहुत तरह का खामियां है इसमें, तो कुछ वैसा जो मटेरियल देना चाहिए, जो RCC का मतलब होता है कि गड्ढा खोदकर बड़ा बड़ा बोल्डर पहाड़ का, उसमें ग्रेनाइट पत्थर का भी मैंने अथी होता है जो दिया जाता है, और जब इसको जो बांध कर जो RCC बनाने की जो बात हो तो उसमें रड का जाली दिया जाता है। लेकिन हम लोग ने ये विजिट में संयुक्त मोर्चा ने पाया कि कहीं भी जो है मैंने रड का जाली नहीं है, और अभी ही दरार आ गया, जिस पर गाड़ी अभी वाहन मैंने नहीं चल रहा है तो अभी से ही दरार आना शुरू हो गया। तो सोचिए जब वाहन भारी वाहन चलेंगे तो उस समय क्या इसका स्थिति होगा। DC साहब से मांग करता हूँ कि इसको अविलंब निगरानी करके इसको काम को बढ़िया से करावे इस्टीमेट्स के आधार पर, या अन्यथा काम को अभी बंद रखे, क्योंकि पब्लिक लोग पब्लिक मूवमेंट होगा इसमें। अगर ये काम बढ़िया से नहीं होगा तो निश्चित ही पब्लिक मूवमेंट होगा और पब्लिक लोग रोड में बैठेंगे। देखिए ये सड़क जो है बहुत जर्जर हालत में है, वो आप लोग भी देख रहे हैं, और ये कई एक वर्षों से जो है इस सड़क की हालत ऐसा था। उसी तरह हम लोग संयुक्त मोर्चा बना करके इसका आंदोलन किए कि ये आंदोलन किया गया कि इस सड़क का मरम्मत होना चाहिए, ये सड़क बनना चाहिए,
और ये सड़क जो है यहाँ ही नहीं, केवल इस क्षेत्र का ही नहीं, इसमें बंगाल तक के लोग जो है झरिया आना जाना करते हैं। ये बहुत मुख्य सड़क है, तो सरकार द्वारा जो है इसको बनाने का पहल हुआ, लेकिन आज तक हम लोग देखे कि जिस मकसद से यहाँ की जनता ये आंदोलन की थी उसका विपरीत यहाँ काम हो रहा है। ना सड़क की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इस तरह अगर सड़क बना तो ये सड़क जो है महीनों भर भी नहीं चलेगा। तो हम लोगों PWD और जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये सड़क जो है इस्टीमेट के अनुसार जो इसका प्रकलन है उसके अनुसार काम हो, अन्यथा जो है जनता ये काम जो है इस तरह के घटिया काम को रोकने के लिए बाध्य हो। ये सड़क के लागत जो है जो हम लोगों ने पेपर के माध्यम से सुने हैं, पेपर के माध्यम से आया है बात कि ये 55 करोड़ जो है ये सड़क जो है बनने का इसका प्रकलन है, इस्टीमेट है। और ये सड़क जो है आपको झरिया से लेकर के बलियापुर तक का बनने का है। क्या मांग करते हैं? मेरा नाम जुधेश्वर सिंह। क्या मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं? लोगों का मांग है कि ये सड़क जो है अच्छे गुणवत्ता से बने, और जिससे कि सड़क जो है यहाँ के जैसे कोलियरी क्षेत्र में है, इसमें हेवी वाहन भी चलता है, उसको देखते हुए सड़क को अच्छी तरह से बनाया जाए, यही यहाँ के आम जनता की मांग है।